नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सूर्यकांत त्रिपाठी और इस समय बज रहे हैं रात्रि के 12 और हम मौजूद हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महरौनी में, जहां अब से कुछ देर पहले 108 नंबर एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से एक सड़क पर डले हुए घायल को उपचार हेतु लाया गया है। पूरा विवरण यह है कि कमल कुशवाहा निवासी ग्रामकारी जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश किसी एक शादी समारोह में भाग लेने ग्राम अस्तौन से महरौनी की ओर आ रहा था, तभी किसी कारणवश बाइक असंतुलित हो गई और महरौनी टीकमगढ़ रोड पर कस्बा से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप के पास ये हादसा हुआ है। ये व्यक्ति शराब के नशे में भी बताया जा रहा है और जब ये दुर्घटना हुई तो वहाँ ये लगभग 50 मिनट तक घटना स्थल पर ही पड़े रहे। बाद में पुलिस ने जाकर इनको उठाया और एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भिजवाया। फिलहाल यहाँ पर इनको होश में लाने का प्रयास किया जा रहा है अस्पताल स्टाफ द्वारा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये अत्यधिक शराब का सेवन किए हुए हैं। हालाँकि इनके कान से और नाक से कुछ खून भी आ रहा है। ऐसे में इनके उपचार की या प्राथमिक उपचार की तैयारी यहाँ पर लगाई जा रही है और देखते हैं कितना गंभीर इनकी चोट है। अगर गंभीर होगी तो निसंदेह इनको जिला चिकित्सालय रेफर किया जाएगा। फिलहाल ललितपुर लाइव टीवी के लिए CSC महरौनी से सहयोगी अंशुल दुबे के साथ सूर्यकांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? भगवत। कहाँ के हैं भगवत? खड़गापुर। खड़गापुर के। ये जो घायल है इनका क्या नाम है? कमल कुशवाहा। कहाँ के हैं ये? कारी। कारी। तो कैसे हुई ये घटना? भाई मैं तो शादी में था, तब मामा है हमारे। अच्छा अच्छा, तो आप इनके साथ ही में थे? साथ में नहीं थे हम। हाँ है तो साथ में, ये गाड़ी लेके निकल आए, हम खाना खा रहे थे शादी में। हाँ बाकी निकल आए, हमें पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग। ये थे अस्तौन में, टीकमगढ़ के पास, जो महरौनी के पास। हाँ और यही महरौनी आ रहे थे। महरौनी आ रहे थे। तो ये कैसे गिर गए, ये कोई जानकारी है या कोई ने टक्कर मारी है? नहीं नहीं नहीं, ये जानकारी नहीं है। अस्पताल कौन लाया है? नहीं, एम्बुलेंस से आए। एम्बुलेंस से आए के एम्बुलेंस। चलिए चलिए ठीक है। कोतवाली की गाड़ी में।